नमस्कार, मैं हूँ दिबांजलि मोइत्रा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, चलती का नाम गाड़ी। मतलब कोई गाड़ी जब तक चलती रहती है तब तक ही वो ठीक ठाक रहती है, लेकिन अगर सही सलामत गाड़ी को खड़ा कर दिया जाए तो वो भी खराब हो जाती है। जिस कहानी को हम आपको बताने वाले हैं उसमें एक परेशानी पार्किंग की भी। कहानी एक प्लेन की है जो करीब 5 साल से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। जानिए आखिर क्यों ये प्लेन 5 साल से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है और ये प्लेन किस देश का है, किस देश का है विमान। सबसे पहले आपको बता दें कि ये विमान जो 5 साल से एक ही जगह पर खड़ा है वो बांग्लादेश का है और करीब 5 साल से भारत के रायपुर एयरपोर्ट पर खड़ा है। रायपुर एयरपोर्ट पर क्यों खड़ा है विमान? दरअसल साल 2015 में 7 अगस्त के दिन इस विमान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका से मस्कट के लिए उड़ान भरी थी। उस दिन बांग्लादेश की यूनाइटेड एयरवेज के इस मैकडॉनल्ड डगलस MD-83 हवाई जहाज में 173 यात्री सवार थे। बताया जाता है कि जब ये विमान भारत में वाराणसी और रायपुर के हवाई रास्ते में था तब इसके इंजन में आग लग गई थी। इसके बाद इस हवाई जहाज ने आपातकालीन स्थिति में रायपुर एयरपोर्ट में उतरने की अनुमति मांगी। रायपुर एयरपोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार उस दिन देर शाम को कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रायपुर एयरपोर्ट को इस बारे में सूचना दी और तुरंत इस हवाई जहाज को उतारने की अनुमति दी गई। हालांकि इस दौरान खराब हुए इंजन का एक हिस्सा हवाई पट्टी से पहले ही हवा में गिर गया, लेकिन हवाई जहाज सकुशल हवाई पट्टी पर उतर गया। अगले दिन यूनाइटेड एयरवेज ने दूसरा विमान भेजकर यात्रियों को भी रवाना कर दिया। इस प्लेन का चालक दल भी कुछ दिन बाद बांग्लादेश वापस लौट गया, लेकिन ये विमान रायपुर एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहा। रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार हवाई जहाज में JT-8D-200 के 2 इंजन लगे थे और 1 इंजन में खराबी के बाद इसका उड़ना संभव नहीं था। बांग्लादेश से अधिकारी तो आए पर प्लेन नहीं ले गए। ऐसा नहीं है कि इस प्लेन को लेने के लिए बांग्लादेश से लोग नहीं आए, अधिकारी तो आए लेकिन प्लेन को नहीं लेकर गए। जब ये प्लेन खराब हुआ था उसके करीब 24 दिन बाद यूनाइटेड एयरवेज के अधिकारी रायपुर पहुंचे और उन्होंने इंजन को बदले जाने की अनुमति के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को एक आवेदन भी सौंपा, लेकिन बिना विमान को लिए वापस लौट गए। रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारी बताते हैं कि विमान को लेने के लिए आए अफसरों ने भरोसा दिया था कि वो जल्द ही इस विमान को ले जाएंगे, लेकिन ये दावा हवा हवाई साबित हुआ। उसके बाद कई बार यूनाइटेड एयरवेज को फोन किया गया, ईमेल करके बुलाया गया, लेकिन हर बार इस एयरवेज कंपनी ने भारतीय लोगों को बहका दिया। बंद हो गई कंपनी। साल 2016 में इस जहाज को लेने के लिए इसका पायलट आया था। पायलट ने हवाई जहाज का परीक्षण किया तो इसे सही हालत में पाया गया, लेकिन फिर एक बार मामला बांग्लादेश उड्डयन प्राधिकरण में अटक गया और पायलट को भी खाली हाथ रायपुर से लौटना पड़ा। उम्मीद थी कि फिर कोई ना कोई उम्मीद जगेगी, लेकिन पायलट के वापस लौटने के कुछ दिनों बाद ही बांग्लादेश की यूनाइटेड एयरवेज ने 6 मार्च 2016 को अपना कारोबार बंद कर दिया, जिसके बाद इस विमान की खबर लेने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन इस विमान ने रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मुसीबत थी पार्किंग की, क्योंकि 8 हवाई जहाज की पार्किंग क्षमता वाले रायपुर एयरपोर्ट पर इस विमान ने काफी जगह घेर रखा था। साल 2018 में एक बार फिर से बांग्लादेश में इस कंपनी के लोगों से संपर्क किया गया। लगातार ईमेल के बाद 20 जुलाई 2018 को यूनाइटेड बांग्लादेश के सहायक प्रबंधक इनायत हुसैन रायपुर पहुंचे। उनकी उपस्थिति में इस हवाई जहाज को रायपुर एयरपोर्ट के रनवे से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया गया। आज पार्किंग के चलते रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के लिए ये विमान सिरदर्द बना हुआ। रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारी कहते हैं कि शुरू में तो 320 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ये विमान यहां खड़ा हुआ था, लेकिन अब नहीं लगता कि इस विमान की पार्किंग का पैसा कभी मिल पाएगा। $48 मिलियन कीमत के हवाई जहाज की किस्मत में भी कबाड़ हो जाना तय है।